सत श्रीकाल जी सारिया नूं, मेरा चैनल पंजाबी विरसे जी तुहाडा सारिया नूं स्वागत है जी। अज आपां तुहानूं दस्सण जा रहे हां कोट कोट जिहड़े आपां बाजारां चों 1000 दा 1500 दा 800 दा इदां बहुत महंगे महंगे मुल च लैंदे हां। इह आपां नूं बनाउणे बहुत सस्ते आ, बहुत सौखे ने। जिदां आपां सूट स्टिच करदे ने उदां ही कोट स्टिच करदे ने। इहनूं कुछ खास टाइम नहीं लगदा हैगा, जितने टाइम च आपां इक सूट सिलाई करदे हां उन्ने टाइम दे विच आपां इक कोट सिलाई कर सकदे हां जी। इह मैं हुण 4 कोट, 2 कोट ते 2 जैकट सिलाई कीते ने, मैं आप तैयार कीते होए आ। इह देखो किदां करना, मैं तुहानूं दस दिंदी आ। इहनूं तां 1 साल हो गया तैयार कीते नूं। इहदियां बाहवां अड्ड, इह कटिंग करके अगे बाहवां अड्ड लगियां होईयां। इहनां दे विच ना जिहड़ी हल्की स्पंज हुंदी आ, बिल्कुल हल्की स्पंज, उह मैं इहनां दे विच पा के ना विचली साइड चिट्टा कपड़ा, हल्का चिट्टा कपड़ा लाता, ते बाहरली साइड कोटां वाला वधिया कपड़ा कह के ले के मैं उह ला के सिलाई कीता है। ते जितना तुहानूं सभ नूं लाउणी आउंदी होवा उदां जिप ला गई, ते जेबां कढ के मैं आप रेडी कीता है। ये सब सीखने लई जां किसी ने समझना है कुछ भी है, तुसीं मैनूं कमेंट करके पुछ सकदे आ जी। बहुत वधिया कोट तैयार रेडी होया रिहा। इह भी अपने बिल्कुल सिंपल जैकट तैयार की आ जी। आप जिप लगा के, ये जिपा लगा के, जेबा लगा के अपने ये भी बहुत हल्की स्पंज पा के मैं थोड़ा मोटा जहा तैयार किया। ये रेशमी कपड़ा मैं अंदर भी रेशमी कपड़ा लगाया, तो ये बाहरली साइड भी मैं रेशमी कपड़ा लगा के ही तैयार किया है जी। ये सीखने लिए मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लियो जी, असं तुम्हें सारा कुछ दसागे, तो सू पुछना है जो भी पूछ सकते हैं। यह कोट बहुत मैनू 300 के बीच बन के 250 के बीच, बिचे कपड़ा बिचे स्पंज के बिचे सारा कुछ 250 तैयार हो गए हैं। जेडे अपने कोट मुल खरीदे ने, यह कोट अपने मुल खरीदे हैं। यह जैकट असी मुल खरीदी है जी खन्ने तो। यह जैकट का प्राइस सानू बहुत महंगा पिया है। यह जैकट कैप समेत सानू 1000 रुपये च पई है, इन्नी महंगी पई है। लेकिन लगता कुछ नहीं, बिच ये कंबल वाला कपड़ा लग्या होया है, तो उपर रेशमी कपड़ा है। मैं चैक किया सिलाई करने में कुछ टाइम नहीं लगता है, आम की तरह ही जिदा कि अपने पहला मैं थोड़ा दिखाए हैं स्टिच किए हुए हैं उदा ही यह स्टिच होए हुए हैं। लगता कुछ नहीं, लेकिन यह 1000 रुपये के पै गए ने, काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो खोल दिखाई मैं थोड़ा एक कोट ए आ, ए मैं सिलाई किया कराया उदा ही बाजार चो भी, मैं खन्ने तो ही खरीदया सी। ते एदे विच गर्म कपड़ा लग्या होया है, ए भी कंबल वाला गर्म कपड़ा लग्या होया है, ते बाहर वही रेशमी कपड़ा। स्टिचिंग एदी भी कुछ बहुत ही औखी नहीं है, लेकिन सिर्फ एदे पर कंपनी का टैग लग्या होया है। अपनी कोई कंपनी नहीं, आपां उदा ही तैयार कर लैंदे आ, इसलिए अपने कपड़े की थोड़ी जी कीमत घट हो जाती है। ये मैनू 1200 का पिया होया है, ये शहर के बचों खमाणो ना खन्ने तो यह मैं 1200 का पिया होया जी। ये वाली जैकट पर जे अपने आप तैयार करने हो यही 250 च जा 300 च बन के कपड़े के हिसाब न, महंगा कपड़ा या सस्ता कपड़ा जिदा भी अपने लेके लाना होदा के कपड़े के हिसाब न आप तैयार कर सकते हैं। एक रजाई का छड़ दिखाई है जी मैं दोनों। ये रजाई का छड़ मैं बाजार तो खरीदया है, ये है कुछ नहीं, सिर्फ एक सिलाई करके ही इन्ना महंगा है। यदा हूँ अपने तैयार करने वास्ते ये 2 छड़ मैं खुद तैयार किए हैं। ये मैं मुल खरीदया है, तो उंज मैं कपड़ा लेके एक हल्का कपड़ा प्रिंटड देके एक प्लेन लेके इन मैं आप स्टिच किया है। ये सारा मेरे को 200 च पै गया है, तो यह मैं जो मुल खरीदया है जी, ये मुल खरीदया हुआ मैनू 600 च पै गया है। अगे अगे थानू असी इन्हां दीआं वीडियो बना के पावांगे, तो सारा कुछ दसूंगे किदां तैयार करना है, किदां बनाउणा है, कित्थों कपड़ा खरीदना है, किन्ने पैसे का कपड़ा खरीद हुंदा है जी। ये सब देखण लई, सीखण लई, पता करन लई मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो जी। लाइक कमेंट जरूर करियो जी। धन्यवाद जी।